हेलो गाइस, मैं अमलीशा, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज पे। गाइस, अक्सर कोई ना कोई ऐसा कानून आता ही रहता है, इसका विरोध होता ही रहता है। एक ऐसा ही कानून बेल्जियम की सरकार लेकर आई है, जिसके बाद बेल्जियम में भी इस कानून का विरोध हो रहा है। दरअसल ये कानून कुछ इस प्रकार है कि बेल्जियम में जानवरों को हलाल के तरीके से मारे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके चलते कानून के अंदर कहा गया था कि यदि आपको खाने का शौक है तो उस जानवर को मारने से पहले बेहोश कर लेना चाहिए। अब इस कानून के चलते बेल्जियम में रहने वाले मुसलमान और यहूदी लोग विरोध कर रहे हैं। दोनों के मजहब समुदाय की मान्यता है कि किसी भी जानवर को मारने के समय उसका होश में रहना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता, ये उसका मीट खाना गलत माना जाता है। बेल्जियम की संसद में पिछले साल पास हुए इस कानून के बाद कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह कानून की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। उनका ये भी कहना है कि कानून क्षेत्र में बढ़ रही है प्रवासी विरोधी भावनाओं की वजह से लाया गया है। जैसे ही बेल्जियम ने यह कानून पास किया था, तो इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन यूरोप संघ की अदालत के सामने इस कानून को लेकर चुनौती देने लगे, लेकिन अब कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले का पशु अधिकार समूह ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि बेटे समेत कई यूरोपीय देशों में ये कानून पहले से ही लागू है, लेकिन वहां पर ये कानून केवल लाइसेंस प्राप्त बूचड़ खाने पर स्थित है। लेकिन बेल्जियम के अंदर इस कानून को पूरे देश के अंदर सख्ती से लागू किया गया है, इसलिए इस कानून का प्रभाव काफी ज्यादा व्यापक है। गाइस, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।